देखिए, मुकाबला बहुत अच्छा है और मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे भेजा है, तो निश्चित रूप पे पार्टी ने बहुत सोच समझ कर निर्णय करके और हमारे कैंडिडेट जो है सुनील जी को बनाया है, और इस निर्णय के मैं साथ खड़ी हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो फैसला किया, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा निर्णय किया है, जो भी निर्णय किया है, और मैं उनके निर्णय के साथ खड़ी हूँ। और मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और फिर से भाजपा सरकार नायब जी के नेतृत्व में पूरे बहुमत के साथ दूसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 2019 में आपने चुनाव लड़ा, इस बार टिकट कट गई, कहीं ना कहीं तीस तो होगी। देखिए, टिकट मिले ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए काम करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि कमल का फूल जिसको भी मिल जाए, हम उनके साथ लग के काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। इस बार कैसा मुकाबला होगा, क्या मानती हैं? मैं मानती हूँ कि मुकाबला अभी कैंडिडेट सामने वाला कौन होगा क्या, उस पर हमें नहीं पता, लेकिन आज का जो जोश देख कर मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से हम चरखी दादरी विधानसभा जो है वो जीतने वाले हैं। क्योंकि विनेश फोगाट भी राजनीति में उतर गई हैं, तो क्या कहेंगे? इतना ही कहूँगी, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, ये मैदान सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और कोई भी कर सकता है राजनीति, ये सबके लिए मैदान ओपन है। क्योंकि आपके पिताजी ये कहते हैं कि 2028 का ओलंपिक, बिल्कुल, एक गुरु तो अच्छी राह दिखाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, और गुरु तो हमेशा चाहेगा कि हम, मैंने जिस राह के ऊपर अपने बच्चों को भेजा है, वो बच्चे निश्चित रूप से उस काम को लक्ष्य तक लेके जाए। कोई भी गुरु अपने बच्चे को मार्गदर्शन से भटकता हुआ कोई भी गुरु नहीं देख सकता। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिष्य अगर मार्ग से भटकता है, तो उसको सही राह दिखाना वो गुरु का फर्ज है और दायित्व। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके परिवार में आपने एक बयान दिया था कि हमारे परिवार में राजनीति न करें, आज वो सक्सेस हो गए, क्या कहेंगे? वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और परिवार, ये कांग्रेस का जो है ये एजेंडा रहा है, फूट डालो राज करो की नीति का, और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं, चाहे वो भारत को तोड़ने का काम किया हो, चाहे वो परिवारों को तोड़ने का काम किया हो, कांग्रेस ने हमेशा फूट डालकर और परिवारों को या देश को तोड़कर राजनीति की है। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, वो परिवारों को भी जोड़ते हैं, देश को भी जोड़कर, और निश्चित रूप से सभी को साथ लेके, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर उस नीति के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम भी उन्हीं की तरह मार्गदर्शन पर चलकर इसी तरह ही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर मेहनत करेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।